कोदारी से देखे छी बड़ मेहनत कर रहल छी। हम सब भाई जी बैगन के नर्सरी बेड लगबे छी। बैगन के नर्सरी बेड लगबे छी? हां भाई जी। किया बाजार से नहीं लबे छी? नहीं भाई जी, बैगन बाजार के रहे खाद पानी पुरका वो बढ़िया जका फरे नहीं छे, खराब भ जाय छे गाछ। आ हम सब अपने से जे बैगन के नर्सरी लगबे छी तो अपने से जे बीज उपलब्ध करे छी आ तकर बाद जे रोपे छी भाई जी तो बहुत बढ़िया उपजे छी। अच्छा दीदी, खाद दिया जे कहलिए त अहाँ से नर्सरी बेड में खाद नहीं दै छियै भाई जी? प्राकृति विधि से जे हम सब नर्सरी बेड लगबे छियै त खाद तो पड़े छै लेकिन हम सब घर से बना के दै छियै। ई प्राकृति विधि केहन होय छै आ अइ में खाद जे अहाँ सब कहलिए ई खाद कत से लबै छियै भाई जी? अहाँ के पास समय अछि त थोड़े देर रुकियो। अच्छा, हम सब प्राकृति विधि से बैगन के नर्सरी लगबै छियै से अभी अहाँ देख लियो, हम सब कुछ लग आयल छी, आब हम सब नर्सरी लगेबै। सब चीज लोने छियै? हाँ भाई जी। तब तो हम आधा घंटा रुक के देखिए ले छी। हाँ भाई जी, रुक के देख लियो, हम अभी नर्सरी लगेबे केना लगबै छियै से अहाँ देख लियो। हम सब खाद अपना घर से दै छियै। आब नर्सरी बेड जे हम सब लगबै छियै भाई जी, अच्छा, तै के लेल अहाँ जगह जान लियो जे कते जगह में लगायल जाय छै। कते जगह में लगबै छी दीदी? भाई जी 10 फीट लम्बा लै छियै। अच्छा, आ 5 फीट चौड़ा लै छियै। अच्छा, 10 फीट लम्बा? हाँ भाई जी। 5 फीट चौड़ा? हाँ भाई जी। कते खेत के लेल करै छी दीदी? ई भाई जी 3 से 4 कट्ठा के लेल छियै। अच्छा, 3 से 4 कट्ठा खेत के लेल अहाँ सब जे एते जगह चाही? हाँ। 10 फीट लम्बा आ 5 फीट चौड़ा? हाँ भाई जी। अच्छा दीदी, अहाँ भाई जी के बतैयो ताले हम खर आर बीछ दै छी। भाई जी। हाँ दीदी। नर्सरी बेड के लेल माटि एकदम हौला हेबाक चाही भाई जी। अच्छा, बुझलियै? हाँ दीदी, माटि एकदम हल्लुक हेबाक चाही। एकदम हल्लुक हेबाक चाही। देखियो भाई जी, हम देखा दै छी। ई भाई जी माटि जे छै से एकदम भुरभुरायल बिल्कुल हेबाक चाही भाई जी। यानी एहिमे ढेला तेला नहि पड़बाक चाही? नहि भाई जी, एको रत्ती एहिमे से एको रत्ती ढेपा नहि हेबाक चाही। भाई जी, ई माटि जे हल्लुक रहै छै ने तऽ बीया जनमै मे सहूलियत होइ छै, आ ढेपा चेपा जे रहै छै तऽ ओहिमे बढ़िया जका बीया नहि जनमतै, मार खा जेतै। यानी ढेला चेपा जे रहतै तऽ ओहिमे दबि सकै छै? हाँ भाई जी, दबि जेतै। आ एकदम हौला जे माटि एहन रहतै तऽ एहिमे बीया बहुत अच्छा से जनमतै। यानी मतलब माटि जते फ्रेश रहलै तो गाछ बढ़िया से निकल, बढ़िया से निकलते भाई जी। चलो दीदी, आप तो हम यो बुझ लिए। हाँ भाई जी, बेड लगाबे में पहले जे है माटि के बढ़िया से ढीला कर। हाँ भाई जी, देख लियो भाई जी कत्ते होला माटि ए में रहै छे। आब देखियो माटि तो तैयार भ गेले भाई जी। माटि तो भ गेल के तैयार। आब बेड के चारू कात भाई जी नलो बनबा पड़ै छे। नलो बनबै छियै? हाँ भाई जी। नाला किया बनबै छियै दीदी? भाई जी, नाला जे नै बनेबै तो फिर पानी केना पटेबे? एहिमे पानी पटवा के लेल नाला बनबै छियै? हाँ भाई जी, नाला बनबै छियै तो पानी पटेबे। नाला हम बनबै छियै। अच्छा, नाला केना बनबै छियै से? हाँ देख लियो भाई जी। देखियो भाई जी। हाँ दीदी। ई हम सब जे माटि जे नाला जे बनबै छियै, अच्छा, तो बेडे पर माटि दै छियै भाई जी। अच्छा, बेडे पर माटि दै छियै? हाँ भाई जी। किया दीदी? बेड पर दै छियै भाई जी तो बेड जे ऊंच रहै छै तो पानी नहीं लगे छे। अच्छा दीदी, ई चौड़ाई कते छे? 1.5 फीट चौड़ाई छे भाई जी। अच्छा, 1.5 फीट चौड़ाई छे? हाँ भाई जी। आ ई ऊंचाई जे छे, हाँ, से 6 इंची ऊंचाई छे। 6 इंची ऊंचाई छे? हाँ भाई जी। ई ऊंचाई एहि दुआरे देल जाय छे, हाँ, जे वर्षा जे होय छे तो पानी नै लगते। यानी बरसात जे हेतै तै पर पानी नै टिकते? हाँ भाई जी। मतलब जे बहि के नीचा नाला में चल जेतै? हाँ, नाला में चल जेतै। आ गाछ जे छे से मार नै खेतै। तो इहो चीज हमरा सिखा देली से बड़ नीक केली दीदी। हाँ भाई जी। भाई जी। हाँ दीदी। आप तो खेत के तैयारी देख लेलिए? हाँ दीदी, खेत के तैयारी देख लेलिए। चलू भाई जी, हम बीज उपचार जे करे छिये। अच्छा, से हो देख लियो। चलू चलू देखिए लिए। तो नर्सरी बेड में कौन कौन सामान लगे छे से हम बता दे छी भाई जी। ठीक है दीदी, तो बता दिए हमरा। देखियो भाई जी। हाँ दीदी। खेत तामे के लेल कोदारि के जरूरत पड़े छे। अच्छा। आ चाले के लेल खुरपी के जरूरत पड़े छे भाई जी।
आ ढेपा फोड़े के लेल मुंगरी के जरूरत पड़े छे। ठीक छे दीदी। आ खेत नापे के लेल भाईजी से इंची टेप के जरूरत पड़े छे। अच्छा, इंची टेप ल के नापे छी। हां भाईजी, लंबाई चौड़ाई नापे छिए कते में कते बिया गिरेबे। अच्छा। आ भाईजी 10 ग्राम ई बिया छे। अच्छा, ई 10 ग्राम बिया भ गेले। हां भाईजी, जे अहाँ कहलिए जे मतलब जे 3 कट्ठा के लेली भ गेले। हां भाईजी, ठीक छे दीदी। आ ई 5 किलो घनजीवा मित्र छे। ई 5 किलो घनजीवा मित्र है। हां भाईजी, बेड पर डाले छिए। अच्छा, एकरे बारे में अहाँ कहलिए जे मतलब घरे पर हम सब बनबै छियै। हां भाईजी, खाद हम सब नै कहलिए जे घरे पर बनबै छियै हम सब अपने। अच्छा दीदी, एकरा बनबै छियै केना भाई जी? में सुखल गोबर रहे छे। अच्छा। दाल के बेसन रहे छे। हां। आयर पुरका मिट्टी रहे छे। अच्छा। आ गाय के गोत रहे छे। अच्छा। मीठा रहे छे। हां। आ पानी रहे छे। अच्छा, यानी यह सब से मिला। हां, यह सब से मिला के खाद बनवे छे भाई जी। ई कथी है दीदी? भाई जी, बीजा रक्षा छे। अच्छा, ई बीजा रक्षा छे। हां भाई जी। अच्छा, ई कहां भेटे छे दीदी? भाई जी, घरे के छिए। ई हो घरे में बनबे छिए? हां भाई जी, यही से हम सब ई उपचार करे छिए। एक चुटकी अति दवाई लगल ये? हां हां भाई जी, एक चुटकी मिलवे छिए भाई जी। अच्छा, अब एकरा मिला के भाई जी से ठंडा में रख देबे। अच्छा, ठंडा में रख देबे। हां भाई जी, 10 से 20 मिनट भाई जी। हां दीदी, अब एकरा हम जाय छी ठंडा में रख देले। अच्छा, अब एकरा देख देबै। हां, आ तब घनजीवा मित्र छिटबे। ठीक छे दीदी। भाई जी। हां दीदी, देखियो घनजीवा मित्र हम सब एना के छिटे छिए। अच्छा, बडनी के एक रंग से छिटे छिए दीदी। अच्छा दीदी, ऐसे की फायदा होय छे? घनजीवा मित्र छिटला से ई फायदा होय छे जे पौधा निरोग निकले छे, स्वस्थ निकले छे। अच्छा। आ जमीन के अंदर जे जीवाणु जे सुतल रहै छे से जाग जाय छे। अच्छा, जे जमीन के अंदर जीवाणु होय छे सेहो जाग जाय छे? जी भाई जी। तब तो खादी बड़ नीक छे दीदी। बड़ नीक छे। आब एकरा एना क मिला दै छिए। अच्छा, मतलब एकरा घनजीवा में छिटला के बाद में जे है माइट से में एकरा मिला देबै? हां भाई जी, एना क मिला देबै सबटा के। अच्छा, बिया छिटै छिए दीदी। ई तो बहुत फुटगर के बिया छिटे छिए भाई जी। दूरै दुआरे छिटे छिए जे भोकगर बिया निकलते। अच्छा, यानि दूर छिटे छिए जे गाछ भोकगर हेते? हां भाई जी। तो ऐसे की फायदा होते दीदी? ऐसे गाछ नै सुतियते भाई जी, अच्छा निकलते। अच्छा, आब कनी के खुरपी ल के जे छै। अच्छा, से माइट में अनहरा दै छिए। अच्छा, माइट में कनी माइट के तोर में एकरा क दे छिए से? हां भाई जी, तोर में जे चल जाय छै ना। हां, तो बढ़िया जन्मते, अंदर में पड़ जते बिया। त भाई जी। हां दीदी, ई बिया जे छै ना। हां, से तोर में द दै छिए त अनहरा जाय छै। अच्छा। आ तोर जे पड़ जाय छै त ई में चुट्टी पिपरी जे छै से खेबो नै करते। अच्छा, ई के मेन माटी के तोर में जे चल गेलै त मतलब जे एकरा चुट्टी पिपरी नै खेते? नै, ओइसे हेते जे बचेबा हेते आ गाछ बढ़। माटी के तोर में चल गेलै त मतलब हालो ई में जम जते? हां, हाल जम जते और गाछो बढ़िया हेते, कीड़ा से बचेबा हेते। देखियो, आब एकरा त हम सरिया देलिए। अच्छा, त ई भ गेले। हां भाई जी, आब एकरा की करबे भाई जी? त केला पत्ता लक झपबे। अच्छा, आब एकरा केला पत्ता लक झपबे? हां भाई जी, लारो लक झपै छिए भाई जी। अच्छा। आ नै होय छै त घासो लक, त अभी त नै छै लार। अच्छा, त केला पत्ता लक झपि देबे। दीदी, एकरा ढकै छिए किया भाई जी? केला पत्ता लक ई दुआरे झपि दै छिए जे में हाल जमल रहै छै। अच्छा, हाल जमे के लेल जे मतलब केला पत्ता लक ढकै? हां भाई जी, हाल जम जाय छै ना त गाछ जल्दी अंकुर जाय छै। देखियो भाई जी। हां दीदी, आब केला पत्ता लक झपि दै छिए। अच्छा, एना झापल जाय छै दीदी? हां भाई जी। लाओ, हमहुं मदद कऽ दै छी। त अच्छा दीदी, एकरा त ढक देलिए। हां भाई जी, अभी कखन तक झापल रहते भाई जी? 2 दिन तक झापल रहते। अच्छा, ई 2 दिन तक झापल रहते? हां भाई जी, तेसर दिन जाके एकरा उघाड़बे। अच्छा, तेसर दिन भले एकरा हटा देबे? हां भाई जी। चलू दीदी, आब त हम बुझ गेलिए। हां भाई जी, बैगन के नर्सरी बेड जे अहाँ सब प्राकृतिक विधि से जेना करै छिए?
तो वही के बारे में तो हम देख लिए जे अहाँ केना के खेत तैयारी के लिए है। हाँ भाई, मतलब खाद केना छिटलिए, खाद केना सब बनबे छिए से सारा चीज सिखलिए, बीज उपचार क के केना छिटलिए सेहो हम देखलिए। जी भाई, ई तो हम सीख लेली। बहिनागर कोना कोना का शक्ति बने बैगे बैगन सारी लगे बैगे बहिना कोना कोना सो शक्ति बने बैगे बैगन सारी लगे बैगे ना जे सब हेथिन बेसारा हुनका घर हम जेबन दुबारा जे सब हेथिन बे लो समझा का सो शक्ति बने बैगे बैगन सारी लगे बैगे नागे बैना बुझा समझा का सो शक्ति बने बैगे बैगन सारी लगे बैगे।